सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइज, अभी मैंने मिस्टर मीट चैप्टर 2 से रिलेटेड काफी सारी न्यूज वीडियो रिकॉर्ड करी थी, बट इस बीच कैपलिन्स वालों ने एक नया कम्युनिटी पोस्ट किया है जो कि है फादर्स डे से रिलेटेड। तो इस पोस्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हैप्पी फादर्स डे लिखा हुआ है एंड इसी के साथ मिस्टर मीट है और मिस्टर मीट की डॉटर रेबेका है। तो काफी ज्यादा वो लोग एंजॉय कर रहे हैं पूल में। इसी के साथ जो इस कम्युनिटी पोस्ट का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फादर एंड डॉटर एंजॉयिंग समर, मिस्टर मीट लुक्स लाइक अ गुड डैड डजंट ही ? हैप्पी फादर्स डे, वी होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट संडे। सो गाइज, इसको देख के पता चलता है जो मैं सोच रहा हूँ वो चीज और ज्यादा कंफर्म होती जा रही है। सो गाइस, कैप्टेंस वालों के इस फादर्स डे पोस्ट को देख के तो लग रहा है कि जो रेबेका है वो अपने फादर से सच में बहुत प्यार करती थी एंड मिस्टर मीट भी उसे काफी अच्छे से ट्रीट करता था। मतलब जितना वो खतरनाक दिखता है वो अपनी बेटी के लिए उतना खतरनाक बिल्कुल भी नहीं था। एंड यहाँ पे कैप्टेंस वालों ने मेंशन किया है मिस्टर मीट लुक्स लाइक अ गुड डैड डजंट ही, तो इससे पता चलता है कि मिस्टर मीट एक बहुत ही अच्छा डैड था बट सिर्फ रेबेका के लिए, है ना। उसकी मॉम में पक्का कुछ गड़बड़ थी। हो सकता है मिस्टर मीट को पता हो कि उसकी मॉम में क्या गड़बड़ है मिस्टर मीट की वाइफ में, इसीलिए मिस्टर मीट ने अपनी वाइफ को निकाल दिया बट उसने अपनी डॉटर रेबेका को हमेशा अपने पास ही रखा। एंड यही एक रीजन है कि मिस्टर मीट के आखिरी टाइम यानी एग्जीक्यूशन के टाइम रेबेका ही थी इकलौती जो काफी ज्यादा सैड थी। बट इसमें एक ये भी सवाल आता है कि आखिर अगर मिस्टर मीट अपनी डॉटर से प्यार करता था तो उसने अपनी डॉटर यानी रेबेका को पिग क्यों बनाया, या फिर हो सकता है कि रेबेका को उसने बाय मिस्टेक पिग बना दिया हो, मे बी। बाकी यार जो भी है वो तो गेम जब आएगा तो पता चल ही जाएगा। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी फादर्स डे।